हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टू टेल कुर्ती। इसे बनाना भी इजी है, आजकल ट्रेंड में भी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक लिया है वो है 2 मीटर। इसमें आप इजीली और अच्छे से टू टेल कट कुर्ती बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कपड़े को हमने बस 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर मैं लूँगी 7 इंचेस का, आर्म होल भी लूँगी 7 इंचेस का। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। जहाँ ये लाइन ख़त्म हो रही वहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसको डिवाइड कीजिए 4 के साथ, प्लस 2 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। अब मैं ऊपर से 15 इंचेस लूँगी, ये है मेरी कमर की लेंथ। तो ये मेरी कमर की लेंथ हो गई। कमर की चौड़ाई मैं लूँगी 10 इंचेस। ऊपर मैंने 11 लिया था तो यहाँ 1 इंच कम लूँगी, तो हो गया 10 इंचेस। चलिए अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब ऊपर से मैं लूँगी 20 इंचेस, जो कि है मेरी हिप्स की लेंथ। तो ये हिप्स की लेंथ हो गई 20 इंचेस की। हिप्स की चौड़ाई मैं लूँगी 12 इंचेस। आपका जितना भी हिप्स का पार्ट हो उसका डिवाइड कीजिए 4 के साथ, प्लस 2 इंच डालना है स्विंग अलाउंस के लिए। डिवाइड बाय 4 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। तो देखिए ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस पॉइंट से मैं लास्ट तक लाइन ड्रॉ करूँगी जिससे कि मेरा फ्लेयर भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट से एंड तक मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल की मदद से। तो देखिए ये मेरा शेप बन गया है, आउटलाइन बन गई है कुर्ती की। चलिए अब आर्म होल बना देते हैं। तो ये पूरा 7 इंचेस है, उसका हाफ होता है 3.5। तो ये 3.5 से मेरा कर्व शुरू होगा। एक और हम ड्रॉ करेंगे हाफ इंच के डिफरेंस पे, जो होगा मेरा फ्रंट का आर्म होल। नेक बना देते हैं। अब नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचेस की और लेंथ मैं ले रही हूँ 2 इंचेस की। ये बिल्कुल आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो ले सकते हैं। चलिए राउंड शेप ड्रॉ कर लिया, नेक भी हमारा बन गया है। तो ये देखिए पूरी लेंथ है मेरी 41 इंचेस। तो अब मैं ये 33 इंचेस पे मार्क करूंगी। ये 33 इंचेस पे मार्क कर लिया मैंने। चलिए अब यहाँ से एक शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से मैं शेप दूंगी टेल कट बनाने के लिए कुर्ती का, इस तरीके से। तो देखिए मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए कट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अंदर से एक पार्ट को निकाल देंगे हम इस तरीके से। ये जो निकाल रहे हैं वो हमारा बैक का पार्ट होगा। अब हम ये फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई है हमारी। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो पहले हम नेक बनाएंगे। तो देखिए इस कपड़े को मैंने 2 फोल्ड किया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा फ्रंट का और बैक का नेक बिल्कुल सेम है। इस तरीके से इस कुर्ती को इस कपड़े के ऊपर रखा है मैंने। अब ये जो मेरा राउंड शेप है नेक का, वो सीधा मैं इस फैब्रिक पे ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से। अब मैं इस कुर्ती के कटिंग को हटा दूंगी। ये है मेरा राउंड नेक का शेप। इसके ऊपर एक और रफली ऐसा शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। बस अब हमें इसे कट करना है। तो देखिए हमने ये राइट साइड रखी है कुर्ती का, उसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट की उसे रखेंगे इस तरीके से। अब हम इस पूरे नेक में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से आपको बैक का नेक भी तैयार करना है। ये देखिए हमने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ हमने नेक बनाया वहाँ पे इस तरीके से कट लगाइए। ध्यान रखिए कट लगाते वक्त आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड कर दीजिए रॉन्ग साइड पर इस तरीके से, और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए नेक हमारा बन गया है। अब चलते हैं शोल्डर फिटिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है कुर्ती का। जो दूसरा पार्ट है हमारा उसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे। तो इस तरीके से ये रॉन्ग साइड हो गया हमारी कुर्ती का।
अब हम दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो गई है। अब बढ़ते हैं आर्म होल की ओर। तो ये देखिए मैंने क्रॉस में स्ट्रिप कट की है, ये राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हम इस तरीके से स्ट्रिप को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे और फिर कट लगाएंगे और रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने नेक बनाया था। ये देखिए आर्म होल बन गया है हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं फिटिंग की ओर। तो चेस्ट का पार्ट मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो बस उसको हाफ कर दीजिए। आप चाहे तो उसमें 1 इंच ऐड कर सकते हैं लूजिंग के लिए, आप चाहे तो फिटिंग पसंद करते हैं तो ना भी ऐड करें। अब यहाँ से मैं लूँगी 15 इंचेस, जो कि है मेरी कमर की लेंथ। चौड़ाई मैं ले रही हूँ 15.5 इंचेस। आप सारे मेजरमेंट प्लीज अपने हिसाब से ही लें। अब चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इतनी फिटिंग होने के बाद हम यहाँ से सीधे बस क्रॉस में इस तरीके से पूरी लंबाई तक सिलाई लगा देंगे नीचे तक। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्रॉस में नीचे तक पूरी लेंथ में सिलाई लगा देंगे, नीचे फिटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिटिंग हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई लगाते जाइए। बस इसी तरीके से पूरा शेप को आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर फोल्ड कर ली है और तैयार हो गई है हमारी टू टेल कट कुर्ती। सिंपल ही इसे बनाना ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए एंड में हम क्या करेंगे, हमने पॉम्पम लेस ली हुई है, इसको हम इसकी बॉर्डर पे इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से पूरे में आप सिलाई लगाते जाइए और ये लेस को अटैच कर दीजिए। तो तैयार हो गई है हमारी टू टेल कुर्ती। इसकी पैटर्न बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम और वीडियोस आप तक लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।